सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज कई बड़े नेताओं ने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। आपको बता दें, नवाब मलिक के शिवाजी नगर मानखुर्द सीट से पर्चा भरने तक ये सस्पेंस बना रहा कि उन्हें एनसीपी का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाद में खबर आई कि उन्हें एनसीपी का टिकट मिल गया है। वहीं इस मुस्लिम बहुल सीट पर उनका मुकाबला महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी से है। और वहीं दूसरी तरफ वर्ली सीट पर शिवसेना के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने भी आज अपना पर्चा भर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया। यहां उनकी टक्कर उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे से है, जो कि मौजूदा विधायक हैं। और हमारे सहयोगी अनुज के साथ बातचीत में नवाब मलिक ने कहा कि वो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि जनता चाहती है। क्या अपडेट है फिलहाल आपके नॉमिनेशन के ऊपर? मैंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया है, साथ ही साथ इंडिपेंडेंट भी नॉमिनेशन फाइल किया है, लेकिन अभी तक पार्टी का जो एबी फॉर्म है वो जमा नहीं हो पाया है। पार्टी का समय के भीतर अगर एबी फॉर्म जमा हुआ तो हम चुनाव पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, नहीं तो जनता का जो आग्रह है चुनाव लड़ना, हम इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में जाएंगे। अभी एक घंटे से भी कम समय बचा है सर 3 बजने के लिए, आपको कितना विश्वास है कि आपको पार्टी से भी फॉर्म मिलेगा, और अगर नहीं भी मिला तो आपके मोरल को वो अफेक्ट करेगा? नहीं, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, सिंबल हो बिना सिंबल हो, जनता के आग्रह पे मेरा चुनाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। पार्टी ने कहा था कि आप फॉर्म भर दीजिए, हम ए बी फॉर्म भेजेंगे, तो हमें लगता है कि पार्टी को अगर विश्वास है कि मेरी जीत पक्की है तो समय के भीतर वो लाके फॉर्म जमा करवाएंगे। ओके सर, फाइनली भारतीय जनता पार्टी का विरोध रहा है आपके कैंडिडेचर के लिए, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? आप अभी एक साथ एक अलायंस में बैठे हुए हो और फिर उनका विरोध पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, उस विरोध को आप कैसे देख रहे हो? कौन विरोध कर रहा है ये मेरे लिए कोई उसका महत्व नहीं है, जनता मेरे साथ है ये महत्वपूर्ण है, मेरे नेता मेरे साथ है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हमें लगता है कि कठिन समय में अजीत दादा मेरे साथ खड़े रहे, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। उन्होंने मेरी बिटिया को टिकट दिया, यहाँ पे मैंने फॉर्म भरा है और मुझे विश्वास है कि वो जो परिस्थितियाँ शिवाजी नगर मानखुर की है, जो लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोगों ने मुझे न्योता दे के यहाँ बुलाया है, वो चीज़ों को समझेंगे और मुझे लगता है समय के भीतर चीज़ें ठीक हो जाएंगी।